आज की इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट या रीसेट करते हैं तो कैसे आपके मोबाइल में जो आपने डाउनलोड कर रखा है बहुत सारी ऐप्स को, उसे मोबाइल के फॉर्मेट या रीसेट होने के बाद भी आप कैसे सेफ रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है ऐप बैकअप एंड रीस्टोर ईजीएस्ट बैकअप टूल। मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए हम यहाँ ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे वो टोटल सारे ऐप्स आपको यहाँ शो करने लगेंगे। तो अब आप जिस एप्लीकेशन का बैकअप चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक दो एप्लीकेशन को, चाहे तो पूरे टोटल सारे एप्लीकेशन को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे में ये बैकअप के बगल में बॉक्स बना हुआ है, उस पर अगर आप टैप कर देते हैं तो ये टोटल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक एप्लीकेशन को आपको दिखा देता हूँ करके, जैसे मैं ये कॉचग्राम है उस पर टैप कर रहा हूँ। टैप करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ नीचे में बैकअप लिखा हुआ है उस पर टैप कर रहा हूँ और ये फ्रेंड आप देख सकते हैं सक्सेस वन आइटम हो गया। अब हम अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाते हैं और फाइल मैनेजर में जाने के बाद अब हम ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पर सेव हुआ है। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं मोबी यूसेज पीपी बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है। उस फोल्डर पे हम टैप करते हैं तो देखिए फ्रेंड जिस एप्लीकेशन को हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है कि इस मोबी यूसेज पीपी बैकअप फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे में यहाँ कट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से कट कर लेने के बाद हम इसे मेमोरी कार्ड में डाल देंगे और उसके बाद हम मोबाइल को फॉर्मेट या रीसेट जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से मेमोरी कार्ड से उसे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है फ्रेंड, आप भी करके देखें और मुझे कमेंट करें कैसा रहा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।